संबंध पृथ्वी एवं पृथ्वी पर भौतिक वातावरण के साथ साथ मानवीय वातावरण को जोड़ते हुए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। भूगोल के अध्ययन से सभी विषयों के अध्ययन का पूर्ण जानकारी हो जाता है, तो हम कह सकते हैं इस रूप में भूगोल को एक विषय के रूप में देखा गया है। दूसरा पॉइंट है, भूगोल का अध्ययन जरूरी क्यों? भूगोल का अध्ययन जरूरी क्यों? भूगोल का अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि भूगोल के अध्ययन को करके ही हम अपनी संपूर्ण दैनिक तथा जीवन की क्रियाकलाप शुरुआत करते हैं। पृथ्वी का अध्ययन मानव के आवास के रूप में, पृथ्वी का अध्ययन मानव के क्रियाकलाप के रूप में, पृथ्वी का अध्ययन मानव के सांस्कृतिक विकास के रूप में, पृथ्वी का अध्ययन मानव निवास के रूप में भूगोल के माध्यम से ही किया जाता है। और यदि हम भूगोल का अध्ययन नहीं करे किए हैं या भूगोल के बारे में जानकारी हमको नहीं है तो जितने क्रियाकलाप है वह क्रियाकलाप हमारा पूर्ण नहीं होता है, नहीं हो पाए, क्योंकि प्रारंभिक कार्य करने के पूर्व हम उस क्षेत्र के वातावरण को, उस क्षेत्र के धरातली बराबर को, उस क्षेत्र के मानव विकास को जानना जरूरी समझते हैं। भूगोल का अध्ययन आधुनिक काल में किया गया है। भूगोल की परिभाषा देते हुए तालवी महोदय ने कहा है, देखता है, अर्थात जितनी सुविधाएं स्वर्ग में होती है उन सुविधाओं को पृथ्वी पर लाने के लिए
मानव को पृथ्वी का अध्ययन करना आवश्यक है। यह पृथ्वी का अध्ययन भूगोल के माध्यम से ही की जाती है। इसलिए भूगोल का अध्ययन हर विषय के जानने के पूर्व जरूरी है। आगे की चैप्टर में जो है आप मुख्य रूप से मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल वह भूगोल है जिसमें मानव की संपूर्ण क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। कुमारी सैंपल मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए बताई है कि गतिशील पृथ्वी एवं अस्थिर मानव के बीच सहसंबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल। मानव भूगोल के माध्यम से पृथ्वी एवं मानव दोनों के संबंधों का अध्ययन इस प्रकार किया जाता है कि मानव किस रूप में ही पृथ्वी पर निवास करता है और पृथ्वी का उपयोग करता है, और पृथ्वी पर निवास करने के लिए पृथ्वी के वातावरण को अपने वातावरण में बदलने के लिए क्या करता है और किसका उपयोग करता है। पृथ्वी पर विभिन्नता मिलती है, अनेकता मिलती है, चाहे वह धरातलीय अनेकता हो, चाहे भौतिकी अनेकता हो, चाहे प्राकृतिक अनेकता हो, चाहे मानवीय अनेकता हो, फिर भी मानव ने अपनी निवास स्थान को अपने वातावरण के अनुरूप बदलने का प्रयास करता रहता है। मानव भूगोल तीन शब्दों से जुड़ा हुआ है, जिसमें नंबर एक है पृथ्वी या भूगोल, नंबर दो है मानव, नंबर तीन है सांस्कृतिक निर्माण। मानव भूगोल में तीन तत्व मिलते हैं। भूगोल के माध्यम से पृथ्वी का अध्ययन और अध्ययन मानव द्वारा की जाती है, और मानव वह अध्ययन करके अपने अनुरूप सांस्कृतिक निर्माण करता है। यही जो है मानव भूगोल का अध्ययन। मानव ही संपूर्ण विषयों में ज्ञान रखने का प्रयास करता है और ज्ञान रखता है, लेकिन यहां पर जो संबंध है भूगोल किसी भी कार्य को करने के पूर्व मानव को उस कार्य क्षेत्र का अध्ययन करना पड़ता है। और वह कार्य क्षेत्र कहां निवास है, कहां स्थित है, वह पृथ्वी पर स्थित है। यदि पृथ्वी पर
मानव का कार्य क्षेत्र स्थित है तो उनको जरूरी है कि वह भूगोल के माध्यम से पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। यदि उन क्षेत्र के भौगोलिक प्राकृतिक धरातलिक ज्ञान है तो उस क्षेत्र में सांस्कृतिक निर्माण कर सकता है, अपने अनुरूप उस क्षेत्र को बदल सकता है और वहां अपना जो है विकास कर सकता है। इसलिए मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के सहसंबंधों का अध्ययन है। यदि मनुष्य को अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित करना है तो सबसे पहले उस कार्य क्षेत्र के बारे में पूर्ण ज्ञान रखना आवश्यक है और वह ज्ञान मानव को किसके माध्यम से मिलेगा, वह भूगोल के माध्यम से ही मिलेगा। जैसे हमें किसी भी विद्यालय का अध्ययन करना हो या किसी भी विद्यालय का स्थापना करना हो तो विद्यालय किस क्षेत्र में हम स्थापित करेंगे उस क्षेत्र का हमको अध्ययन करना और क्या अध्ययन करेंगे धरातलिक, सर्वप्रथम धरातलिक स्वरूप का अध्ययन कि धरातल किस तरह का है, क्या उस धरातल पर जो विद्यालय रूपी निर्माण कार्य करेंगे क्या वह सरल हो सकता है या खर्चीला हो सकता है। यदि समतल मैदान है तो हम उस क्षेत्र में हम आसानी से जो है विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद विद्यालय धरातल के बाद हम आगे देखते हैं क्या वहां की जलवायु किस तरह की है। हमने देख लिया विद्यालय धरातल समतल है मैदानी है लेकिन वहां की जलवायु बहुत ठंड है तो हम विद्यालय तो बना सकते हैं लेकिन उस क्षेत्र ठंड क्षेत्र में विद्यालय में उपस्थित होने वाले क्या बच्चे पूर्ण रूप से आ सकते हैं स्वस्थ रह सकते हैं अन्यथा नहीं। तो हम जलवायु का भी अध्ययन करते हैं, जलवायु का भी अध्ययन कर लिया तो आगे भी देखेंगे कि वहां आने जाने का रास्ता है कि नहीं। आने जाने बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी जो है टीचर है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वहां बच्चों को आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अध्यापक को आने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो क्या वहां पढ़ने के लिए बच्चे आ सकते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी कार्य क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो कार्य क्षेत्र के पूर्व मैंने उस कार्य क्षेत्र के बारे में पूर्व से जानकारी प्राप्त करना जरूरी है और यह जानकारी हमें जो है मानव भूगोल के माध्यम से ही हो। तो आज इस मानव भूगोल के महत्व को और महान मानव भूगोल के जो है परिभाषा को आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत किया हूं। हाँ, जिन बच्चों को मेरी बात न समझ में आवे वे खुद किसी माध्यम से संपर्क करके उस बातों का समाधान कर ले और बच्चे से मेरा निवेदन है कि आप लोग किताब पढ़ते रहिएगा और किताब पढ़ने के बाद उसमें मुख्य मुख्य पॉइंट का जो है आप लोग निशान लगा लीजिएगा। जो नहीं समझ में आता है आने वाले वक्त में या कभी भी
किसी भी माध्यम से उनके बारे में जानकारी उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, क्योंकि यह महामारी जो फैली हुई है, इन महामारी को देखते हुए हमारे प्रशासन शासन ने जो है स्कूल को बंद कर दिया है और आप लोगों को एक माध्यम दे दिया है, और यह माध्यम जो है दूरदर्शन और इंटरनेट के द्वारा, और आप लोगों के पास मेरी बात पहुंचती हो तो आप मेरे बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने कार्य को अपने घर पर करते रहिएगा। धन्यवाद।